Unit 8, Chapter 16, Analyzing Data. प्रश्न एक, नीचे की तालिका में किसी विषय में विद्यार्थियों के प्राप्तांक और उनकी संख्या दी गई है, बहुलक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक 30, 40, 40, 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 विद्यार्थियों की संख्या 11, 29, 6, 3, 1। हल, वर्ग 40 से 50 की आवृत्ति सबसे अधिक 29 है, अतः यह बहुलक वर्ग है। L इज इक्वल टू 40, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F 0, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता 11। F 1 इज इक्वल टू बहुलक वर्ग की बारंबारता 29। F 2, बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता इज इक्वल टू 6। H इज इक्वल टू वर्ग अंतराल की माप 10। इसलिए बहुलक M 0 इज इक्वल टू L प्लस F 1 माइनस F 0 बाई 2 F 1 माइनस F 0 माइनस F 2 इंटू एच। 40 प्लस 29 माइनस 11 बटा 2 गुणित 29 माइनस 11 माइनस 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 प्लस 18 बाई 58 माइनस 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 प्लस 180 बाई 41 40 प्लस 4.38 इज इक्वल टू 44.38 आंसर। प्रश्न दो, एक दिवसीय अंतराल टी मैचों में गेंदबाजों के द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े नीचे की तालिका में दिए गए इन आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या 20 से 60, 7, 60 से 100, 5, 100 से 140, 16, 140 से 180, 12, 180 से 220, 2, 220 से 260, 3। हल, वर्ग 100 से 140 की आवृत्ति सबसे अधिक 16 है, अतः बहुलक वर्ग है। L इज इक्वल टू 100, F इज इक्वल टू 5, F1 16, F2 12, H 40। M0 L इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 100 प्लस 16 माइनस 5 बटा 2 गुणी 16 माइनस 5 माइनस 12 इंटू 40। 100 प्लस 11 बाई 32 माइनस 70 इंटू 40। 100 प्लस 40, 400, 40 बाई 15 इज इक्वल टू 100 प्लस 29.33 इज इक्वल टू 129.33 आंसर।